भारत से दोस्ताना संबंधों को लेकर जाने जाने वाला देश रूस इन दिनों अजीब मुश्किल में है और अब वो इस पशोपेश में है कि वो भारत की तरफ से बोले या चीन की तरफ से। रूस दशकों से भारत से दोस्ती निभाता रहा है और भारत ने भी हमेशा दोस्ताना रिश्तों को प्राथमिकता दी है, लेकिन अब रूस के लिए थोड़े मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं क्योंकि उसके सामने उन दो देशों के बीच तनाव चल रहा है जिनमें एक उसका पुराना दोस्त रहा है और दूसरे से वो आर्थिक दोस्ती चाहता है। अब मुश्किल ये है कि रूस किसकी तरफ देखे। दरअसल भारत और चीन के बीच लंबे समय से तनाव की स्थिति बनी हुई है। जून में गलवान घाटी और अब पैंगोंग की घटना ने इस तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। उधर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में रूस के दौरे पर गए थे और पिछले 3 महीनों में ये दूसरा मौका है जब भारत के रक्षा मंत्री रूस गए हैं। इससे पहले जून में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय रूस यात्रा पर थे। मौका था दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की 75वीं वर्षगांठ का। उस वक्त भी दोनों देशों के प्रतिनिधियों के मिलने की बात हुई थी, लेकिन बातचीत नहीं हुई। ये महज संयोग ही हो सकता है कि जब जब राजनाथ सिंह रूस जाते हैं बातचीत की परिस्थितियां बनती नजर आती हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा प्रयोग हो सकता है कि रूस दोनों देशों के तनाव को कम करने में कोई भूमिका निभाए? इस सवाल के जवाब के लिए पिछले कुछ दशकों के इतिहास को टटोलने की जरूरत होगी। 1962 में भारत चीन युद्ध में रूस दोनों देशों में से किसी के साथ खड़ा नहीं था। तब सोवियत संघ का पतन नहीं हुआ था और वैचारिक स्तर पर चीन रूस काफी करीब थे। उस युद्ध को रूस ने भाई और दोस्त के बीच की लड़ाई कहा था। रूस ने चीन को भाई कहा था और भारत को दोस्त। आज की तारीख में जब एक बार फिर से चीन और भारत के बीच में तनाव है, अब देखना ये है कि अब रूस क्या भूमिका निभाता है। दरअसल सिर्फ चीन और भारत के बीच मध्यस्थता अमेरिका ही कर सकता है, लेकिन अमेरिका और चीन की ही आपस में नहीं बन रही है और चीन भारत तनाव में अमेरिका खुलकर भारत के साथ खड़ा है, इसीलिए वो बीच में मध्यस्थता नहीं कर सकता। दूसरी तरफ चीन की पाकिस्तान से बनती है जो भारत का पहले से ही दुश्मन है, इसीलिए पाकिस्तान के बीच बचाव की कोशिश का सवाल ही नहीं उठता और न भारत उसकी मध्यस्थता को कभी मानेगा। ऐसे में रूस इकलौता ऐसा देश बचता है जो चीन और भारत दोनों के बीच दोस्ती नुमा संबंध रखता है। बता दें कि आगे रूस का स्टैंड क्या रहता है ये आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा, लेकिन पिछले 3 महीनों से पूर्वी लद्दाख पर सीमा पर जो कुछ भी चल रहा है उसमें तो आधिकारिक तौर पर रूस का स्टैंड यही है कि दोनों देशों के बीच का आपसी मसला है, दोनों हमारे मित्र हैं और इसीलिए दोनों इसे खुद ही सुलझाएं। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।